हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सम सिटी ब्यूटी हब। मैं हूं नरक्षा। आज मैं शेयर करूंगी एक फेशियल किट का रिव्यू एंड फुल डेमो शेयर करूंगी। और ये देख सकते हैं प्रोडक्ट, ये है ग्लैमवेदा ऑर्गेनिक्स विटामिन सी एंटी ब्लेमिश फेशियल किट है। सिक्स स्टेप फेशियल है, 4 एप्लीकेशन है, 4 टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। 120 ग्राम इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी है। इसमें पूरा डिटेल मेंशन है इसको यूज कैसे करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में शेयर करती हूँ। इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, फिर मैं इसको अप्लाई कर भी दिखाऊंगी कैसे इसको करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो। ग्लैमवेदा ऑर्गेनिक विटामिन सी एंटी ब्लेमिश फेशियल किट, 6 स्टेप फेशियल है, 120 ग्राम इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाता है। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका पैकिंग है। यहाँ बैक साइड में फुल डिटेल इसका मेंशन है। ऑल स्किन टाइप है, ये सारे स्किन टाइप वाले इसको कर सकते हैं। नो केमिकल, 100% बोटानिकल एक्सट्रेस, पैराबीन एंड सल्फेट फ्री है, वेगन प्रोडक्ट है ये, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल। एनिमल को हार्म करके ये प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है। यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर डेट दिया है 3/2021 का है, एक्सपायर करेगा 2/2023 में। इसकी MRP है 399 रुपए का है ये। मैं इसको फ्लिपकार्ट से परचेज की थी बिग बिलियन डे सेल में। मैं उसका हॉल वीडियो भी शेयर की हूँ, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, इसको आज मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। सेल में मुझे अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था, 180 रुपए का ये मुझे मिला था। लेकिन इस पे ना सेल आता है तो डिस्काउंट पे मिल ही जाता है आपको, 200-250 के अंदर ही मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलता है। तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पैसेस ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट सूट करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको सारे स्टेप का मतलब प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना कितना है सारा चीज़ इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देख सकते हैं कितना कितना ग्राम है प्रोडक्ट क्वांटिटी, देखिए कुछ इस टाइप का है ये। इसमें ये कुछ इस टाइप से मिल जाता है, इसके ऊपर भी आपको सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस टाइप से पूरा मेंशन है। इसके बैक साइड में डिटेल में मेंशन किया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना देर रखना है, कितना देर मसाज करना है, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन है। इसका पूरा इंग्रेडिएंट भी यहाँ पर फुल इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये पाउच में है, लेकिन ये वाला ये दिया है ना, तो इसके वजह से प्रोडक्ट आपका ख़राब भी नहीं होगा। जितना आपको यूज करना है आप ले सकते हैं। ऐसे रहता है ना काटने वाला, तो उसका क्या होता है प्रोडक्ट सूख जाता है हवा लगने की वजह से। इसमें कि हवा नहीं लगेगा आपको, यूज़ करने के बाद इसको टाइट करके आप इसको बंद कर सकते हैं, फिर से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्वांटिटी इसमें बहुत अच्छा है, 4 टाइम आप अप्लाई करेंगे ऐसा इसमें मेंशन है, 4 टाइम। तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर दिखाती हूँ, फटाफट से अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये है इस फेशियल का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में है फेशियल क्लींजर है ये, क्लींजिंग मिल्क भी बोल सकते हैं, लाइट एंड जेंटल मिल्की क्लींजर है। तो ये रिमूव करेगा आपके डेड स्किन सेल्स को, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है ये, वाइट सा कलर है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया गया है। इस तरीके से आपको फेस पे लगा लेना है, लगाने के बाद आप 2-3 मिनट के लिए स्किन पे मसाज करेंगे, हल्के हल्के हैंड चलाएंगे, बहुत तेज़ नहीं चलाना है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। मैं एक बार फेस वॉश भी कर आई हूँ, मेरा फेस ना क्लीन है, मैं कुछ भी नहीं अभी अप्लाई की थी, लेकिन एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है कोई भी फेशियल यूज़ करते हैं। तो अगर आपका फेस अच्छे से क्लीन नहीं रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए करना चाहिए। अगर आपके स्किन पे थोड़ा बहुत भी पसीना आ गया हो, धूल पड़ गया हो, कुछ भी, तो अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए स्किन। देख सकते हैं किस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ, इसी तरीके से करना है आपको भी। अब क्लींजिंग मिल्क को ना आपको स्किन में अब्सॉर्ब नहीं कराना रहता है, बस इस तरीके से मसाज करेंगे जल्दी। अब देख सकते हैं मसाज मेरा हो चुका है कंप्लीट, अब मैं इसे क्लीन करूंगी। अब मैं साथ में ना हैंड में भी करते जा रही थी, देख सकते हैं मेरा हैंड ना थोड़ा सा ड्राई होने लगा था, बहुत ज़्यादा ही ड्राई भी लगने लगा था, तो साथ में हैंड में भी कर लूंगी। इस तरीके से मैं टिश्यू से क्लीन कर दूंगी। क्लीन करने के बाद देखिए
देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ। इस तरीके से क्लीन कर लेना है। और मुझे ना फर्स्ट स्टेप के बाद ही स्किन सॉफ्ट फील होने लगा था, काफ़ी सॉफ्ट सा लगने लगा था स्किन, अच्छा लगने लगा मुझे। नेक्स्ट स्टेप में है स्क्रब। यह है फेशियल पॉलिशर, है इसमें पॉलिशर लिखा है लेकिन ये स्क्रब ही है। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है ये, इसमें थोड़ा सा आपको दाना मिल जाता है। इसमें लिखा है जेंटल एंड माइल्ड फेशियल पॉलिशर रिमूव टैनिंग डेड स्किन सेल्स। ये आपकी स्किन को इवन करेगा, इवन टोन देगा आपकी स्किन पे, टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, टैन को क्लीन करेगा, ऐसा इसमें मेंशन किया है। मेरी स्किन पे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ओपन पोर्स नहीं है मुझे, और ना ही मेरी स्किन अनइवन है। स्किन टोन मेरा एकदम सही है, इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, पूरे फेस पर लगा लेना है अच्छे से। एक चीज़ अच्छा था कि इसमें कुछ मुझे अलग से मिक्स नहीं करना पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा निकल रहा है, ना ही ये ड्राई निकला ना ही थिक निकला, आराम से लग जा रहा है। हैंड में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, हल्के हल्के मसाज करना है, बहुत ही लाइट हैंड कर चलाना है आपको, एकदम फिंगर से मसाज करना है तो बहुत ही लाइट करना है। ऐसा नहीं है कि फेस पे रगड़ें, उस टाइप से करेंगे तो स्किन में छिल देगा, ये थोड़ा सा इसमें दाना है तो आराम आराम हैंड चलाइएगा, बहुत ही आराम से चलाना। इस तरीके से मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, मैं इसको मसाज करूँगी। मेरा मसाज हो चुका है कंप्लीट, मैं ज़्यादा देर मसाज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं मसाज की थी। देख सकते हैं मैं अच्छे से मैं मसाज कर ली हूँ। अगर आपका स्क्रब सूखने लगे ना तो आप हैंड में पानी ले लेकर अच्छे से मसाज कीजिएगा, ऐसा नहीं ड्राई हैंड चला रहे हैं स्किन पे, ड्राई हैंड नहीं चलाना चाहिए। मैं साथ में ना हैंड में भी करते जा रही हूँ, देख सकते हैं आप, मैं धोकर आ गई हूँ। स्क्रब को ना धोकर ही निकालने में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर दाना रहेगा फेस पे तो नेक्स्ट मसाज करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। स्किन बहुत अच्छी लग रही है मुझे स्किन। ये है 3 स्टेप है इस फेशियल का, फेशियल सीरम है ये, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, येलो सा कलर है, एकदम लाइट सा येलो कलर निकलता है ये, बहुत लाइट सा इसका फ्रेग्रेंस है, कुछ इस टाइप का इसका टेक्चर है, सीरम टेक्चर है ये। तो आप इसको लेकर फेस पर अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, पूरे फेस में नेक में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। देख सकते हैं एकदम लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। इसको अप्लाई करने के बाद इस तरीके से लगा लेना है, थोड़ा सा आपको मसाज करना है, 2-3 मिनट मसाज कीजिएगा तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसको अब्सॉर्ब कराना है स्किन में, अब्सॉर्ब कराकर आप 5 मिनट के लिए रहने दीजिए फेस पर। इस तरीके से मैं लगा ली हूँ, देखिए अब मैं इसको मसाज कर ले रही हूँ, मसाज कर मैं इसको रहने दूंगी। इन 1-2 मिनट भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं, तो अगर आप 5 मिनट भी रख लेते हैं तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्किन पे। इस तरीके से मैं अब्सॉर्ब कराकर मैं रहने दी थी, फिर इसको मैं क्लीन कर दूंगी। आप देख सकते हैं सीरम बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है। अब मैं इसे क्लीन कर दे रही हूँ, इस तरीके से क्लीन कर देंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं क्लीन करने के बाद मेरी स्किन कैसी लग रही है, मुझे अच्छा लगने लगा था स्किन, बहुत ही सॉफ्ट फील होने लगा था। 4 स्टेप में है फेशियल मसाज क्रीम है, और ये क्रीम थोड़ा थिक है, देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट निकल रहा है ये, थोड़ा सा लाइट कलर है, एकदम ही लाइट येलो सा कलर है ये, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत लाइट है। इसको आपको फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करना है फेस एंड नेक में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करके 5 से 10 मिनट के लिए आपको मसाज करना है इससे। तो इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ, अब मैं रोज़ वाटर के साथ इसको मसाज करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लगाने में ही देख सकते हैं टाइट लग रहा है। मैं लगा कर इसको 1 मिनट के लिए फेस पर रहने दूंगी, फिर उसके बाद मसाज करूँगी। इस तरीके से रोज़ वाटर ले रही हूँ, ये रोज़ वाटर है अल्प गुडनेस का है ये रोज़ वाटर, बहुत ही अच्छा रोज़ वाटर है, मैं इसको अभी एवरीडे यूज कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे ये रोज़ वाटर। इसी के साथ मैं मसाज करूँगी फेस पर, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मसाज कर रही हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी। आप इसे 10 मिनट के लिए मसाज कीजिएगा अच्छे से, थोड़ा टाइम देकर काम कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर भी रही थी, क्योंकि नाइट में कर रही हूँ तो मुझे ठंड भी लग रही है, अभी ठंड का मौसम है तो थोड़ा इसीलिए और जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। देख सकते हैं मसाज हो चुका है मेरा कम्प्लीट, मसाज करने के बाद मेरी स्किन देख सकते
मसाज हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद मैं इस क्रीम को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, टिश्यू से थोड़ा सा गीला कर लीजिए आप इसे, और क्लीन कर लीजिए फेस को, मतलब हर एक स्टेप को आप एक क्लीन करते जाइए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। देख सकते हैं क्लीन करने के बाद मेरी फेस, और मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी अब फेशियल मास्क है। ये है इस फेशियल का 5 स्टेप है, तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पैक है ये, इसको अप्लाई करना है फेस पर। पैक भी ना बहुत अच्छा निकला मुझे, ना ही रनी है ना ठीक है, आराम से ये अप्लाई करते बन गया। और इसमें कुछ मिक्स नहीं करना पड़ा, रोज़ वाटर के साथ मुझे मिक्स नहीं करना पड़ा, बस इस तरीके से अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे। अप्लाई कर इस तरीके से आपको भी अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके आप 15 से 20 मिनट के लिए इस फेस मास्क को रख सकते हैं फेस पर। और ये फेस मास्क ना ड्राई नहीं होता है, उस टाइप का नहीं है, ये क्रीम मास्क है, ये क्रीम की तरह है तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। एंड ड्राई होने के बाद भी स्किन को खींचने वाला ड्राई नहीं करता है ये, अच्छा लगा मुझे ये, बहुत ही सॉफ्ट मास्क है। इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, देख सकते हैं 20 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। 20 मिनट हो चुका है मुझे अप्लाई किए हुए, तो अब मैं इसे धो कर आती हूँ। धोने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है स्किन देखने में, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत सॉफ्टनेस आ गया है स्किन पे, ड्राइनेस भी ख़त्म हुआ है मेरा, क्योंकि बहुत ही ड्राई फील होने लगा। बहुत टाइम हो गया मुझे पैक उक लगाए हुए स्किन पे, तो मैं बहुत दिन से कुछ नहीं लगा रही थी, आज मैं ये फेशियल की हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे करने के बाद, स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गया। मैं यहाँ पर टोनर यूज़ की हूँ, अपना फेवरेट टोनर है मेरा, वाओ विटामिन सी टोनर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस टोनर का। अब ये लास्ट स्टेप है इस फेशियल का, और ये है 6th स्टेप, ये हाइड्रेटिंग जेल है। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, ये लाइट सा ऑरेंज कलर है, ये फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट है। इस तरीके से डैप डैप कर कर अप्लाई करूँगी, और इसको अब्जॉर्ब कराना है फेस में, और फिर इसे ओवरनाइट के लिए रहने देंगे। नेक्स्ट डे आप फेशियल करने के बाद कोई फेस वाश यूज नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा ऑयलीनेस लगता है तो आप रोज़ वाटर यूज कर लीजिए, मैं वैसे ही करती हूँ, नेक्स्ट डे कोई फेस वाश यूज नहीं करती हूँ। डे टाइम में सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे ना इस फेशियल का रिजल्ट अच्छा लगा, मेरी स्किन को हाइड्रेट कर दिया है, नरिश कर दिया है बहुत अच्छे से, डिहाइड्रेट हो रही थी, बहुत ही ड्राइनेस फील हो रहा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये। मैं ब्राइटनिंग के लिए तो नहीं बोलूँगी कि ये स्किन को ज़्यादा ब्राइट इफ़ेक्ट देता है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, लेकिन स्किन बहुत अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। यही है मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। मैं पूरी कोशिश की हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।